हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनिल के वी वीडियो। इस वीडियो में आज आपको बताऊंगा सरमाइके के ऊपर पेंट कैसे होता है। ये सरमाइका है, ये भी सरमाइके का पीस है, दूसरा वाला भी। एक के ऊपर मैं आपको नॉर्मल एनेमल पेंट करके दिखाऊंगा, दूसरे पर डिको पेंट करके दिखाऊंगा। डिको पेंट करके उसके ऊपर पॉलिश रेसा डाल के सबसे पहले इसके ये जो टूटा फूटा होता है या गड्ढे गुड्ढे होते हैं उसे भरने के लिए वुड फिलर का इस्तेमाल करेंगे। ये वुड फिलर है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम। कलर आप कोई भी ले सकते हैं अगर आपको प्लेन पेंट करना है तो। इसे पत्ती की सहायता से लगा देंगे इसके ऊपर जहाँ पे टूटा हो या क्रक क्रुक हो, इस तरह से। ये लगाने के बाद इसे सूखने के लिए छोड़ देना है कुछ देर। उसके बाद में इसके ऊपर 600 नंबर का रेगमाल लगाएंगे, वाटरप्रूफ का। ये 600 नंबर रेगमाल है, ये सारे पे लगा लेंगे, जहाँ पे रिपेयर भरी हुई वहाँ पे भी लगाएंगे कि रेगमाल लगाने से उसका लेवल सही हो जाएगा, माइके के बराबर लेवल आ जाएगा उसका। इस तरह से सारे के ऊपर लगा लेना है। लगाने के बाद उसे कपड़े साफ़ कर लें। उसके बाद में ये इनेमल पेंट है, ये मैं आपको इनेमल पेंट करके दिखाऊंगा। ग्रीन कलर आप कोई भी ले सकते हैं। इसे पतला करने के लिए तार पीन का तेल या मिट्टी का तेल भी प्रयोग किया जाता है, या आप पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं इसमें। इनेमल पेंट है ये। ये मैंने भर लिया गन में इनेमल, अब इसके ऊपर अप्लाई करना है। इस तरह से और ये हो गया फाइनल। अब इसके ऊपर डबल कोट मारने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि सिंगल कोट ही बहुत है माइके के ऊपर करने के लिए। अगर मारना चाहे तो डबल कोट ही मार सकते हैं, तो कोई चक्कर नहीं है। सूखने के बाद में इसे ये साइन भी ऐसे ही करता रहेगा सूखने के बाद, क्योंकि इनेमल पेंट में साइनिंग होती है। अगर आपको रेशे वाला बनाना है तो उसके लिए आप गोल्डन ब्राउन या ब्राउन कलर का इनेमल पेंट पहले मारेंगे, उसके ऊपर से ब्लैक के रेसे खींच देंगे, वो पॉलिश वाली लुक हो जाएगी आपकी। उसके ऊपर से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही छोड़ दें, लुक आपकी पॉलिश की हो जाएगी। अब ये दूसरा पीस है, इसके ऊपर करेंगे डीको पेंट। डीको पेंट करने के बाद इसके ऊपर पॉलिश करेंगे। इसमें भी अगर क्रैक क्रूक कहीं हो तो उसके लिए वुड फिलर, उसके बाद 600 नंबर का रेगमाल, उसका लेबल पूरा सही करने के बाद में इसके ऊपर डीको पेंट मारेंगे। ये है डीको पेंट, डीको ऑटोमेटिक पेंट। इसका कलर आप कोई भी चॉइस कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसे पतला करने के लिए एनसी थिनर का प्रयोग किया जाता है, ये एनसी थिनर है। इसे 1 लीटर में 300 या 400 ग्राम तक मिला सकते हैं। उसके बाद में इसे गन से मार देंगे इसके ऊपर। ये गन से ही होगा, हाथ से नहीं होगा ये। ये रेड कलर का डीको पेंट है, इसके ऊपर ऐसे ही 1 या 2 कोट, जरूरत हो तो 2 कोट मार दे, नहीं तो 1 ही कोट बहुत है।
ये हो गया। अब चाहे तो आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसके ऊपर अगर चमक चाहिए आपको तो इसके ऊपर प्यू ग्लोसी या मेलामाइन ग्लोसी कोई भी मार सकते हैं। अब इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर। जब ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर रेसा बनाएंगे। अब ये सूख चुका है पूरा। इसके ऊपर 600 नंबर का रेगमल लगा के साफ कर लेंगे। उसके बाद में अगर इसके आप इस चाहे तो इसके ऊपर डिको पेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टीनर से यूज करने जा रहा हूँ। ये पॉलिश स्टीनर है, इसमें तीन कलर बन करके दिखाऊंगा मैं। ये सबसे पहला है रोजवुड। इसे चाहे तो थिनर से थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, नहीं करेंगे फिर भी कोई बात नहीं है। कपड़े से इसके ऊपर रेसा बना देना है ऐसे ही। अब ये दूसरा है चारकोल। इन तीनों ट्यूबों की एमआरपी, ये 100 100 ग्राम की पैकिंग है, इनकी एमआरपी 50 रुपये है तीनों ट्यूब की, मतलब 100 100 ग्राम की ट्यूब की। ये चारकोल ये हो गया चारकोल। अब एक और यूज करेंगे इसके ऊपर वॉलनट। ये वॉलनट है, इसकी भी एमआरपी 50 रुपये है। ये तो रोजवुड जैसा ही दिख रहा है क्योंकि इसका बेस रेड है, अगर कोई बेस दूसरा होता तो कलर इसका डिफरेंट हो जाता। तीन कलर हो गए हैं, एक रोजवुड हो गया, दूसरा हो गया वॉलनट, तीसरा चारकोल ब्लैक वाला। अब इसके ऊपर अगर आपको मैट करनी है, मेलामाइन मैट करनी है तो मैट मार दीजिए इसके ऊपर। अगर पीयू करनी है तो पीयू मैट या ग्लोसी कोई भी हो सकती है इसके ऊपर। अगर मेलामाइन ग्लोसी करनी है तो मेलामाइन ग्लोसी मार दीजिए। बस उसके बाद ग्लोसी मारने के बाद ये फाइनल हो जाएगा, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर अच्छी लगे वीडियो तो उसे लाइक भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।